ये है आज का सीन, हमारे ही एरिया का है। यहाँ पे सभी लोग तालियाँ थालियाँ और शंखनाद कर रहे हैं। उसी टाइम मैंने छोटी सी क्लिप बना ली थी आप लोगों के लिए। एक है हमारी आज राहे साथी, एक है हमारा आज गाना। एक है हमारी आज राहे साथी, एक है हमारा आज गाना। हम यहाँ के नौजवान मुक्ति स्वप्न साथ हो, हम चले तो राह में मुश्किलें आसान हो। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। और आज आप देख रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड भी आए हैं मेरे साथ में। तो आज पहले आपको मैं दिन बता देती हूँ, आज है संडे और आज डेट है 22 मार्च। तो जैसे कि सभी को पता है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था एंड हमें उन लोगों के लिए सम्मान देना था ताली थाली या घंटी बजाकर, जो लोग कि सबको पता है कि कोरोना जैसी इतनी भयानक वाली बीमारी आई है, महामारी जो घोषित कर दी गई है, तो उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हुए और सेना है, पुलिस है, मीडिया कर्मी हैं और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टाइम में हमारी सहायता कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सम्मान देना बहुत ज़रूरी था। और जैसे कि हमारे PM मोदी जी ने घोषणा पहले ही कर दी थी और सब लोगों ने, मतलब मुझे ये देख कर के अच्छा लगा, आज हम लोगों ने भी ताली बजाई थी। और हम लोगों ने क्या, यहाँ के जितने भी मतलब 5 बजे से पहले ही, 5 नहीं बजे थे, 4:50 का टाइम हो रहा था और सब लोग छत पे पहुंच गए। छत पे जाने, क्योंकि हम लोग भी गए छत पे, वो देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कितना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने सम्मान दिया उनको, कोई घंटी बजा रहा था, कोई ताली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, जिसके शंख बजा रहे थे लोग। बहुत अच्छा लगा ये देख के। आज श्याम भी मेरे साथ में आए हैं। हेलो, ये भी कोरोना के बारे में कुछ आपको बताएंगे, तो प्लीज बात करिए। थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस एकता के साथ आज हमने पूरे देश को एक जो संदेश दिया है और एक सम्मान दिया है और एक जो हम एकजुट होकर हमने जो पूरे पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक साथ लड़ जाएंगे और हम एक साथ इस कोरोना को हरा के रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात थी। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है या जो लोग इसे अभी भी बहुत छोटा समझ रहे हैं, छोटी सी बात समझ रहे हैं, छोटा सा रोग समझ रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि सब लोग या डॉक्टर इसे जल्दी से कंट्रोल कर लेंगे, तो वो इस धारणा में ना रहें। वो प्रॉपर जानकारी वो जुटा पाएँ और बचते रहें, किसी से हाथ ना मिलाएं, सोशल डिस्टेंस बनाते रहें, अभी से बना के रखें, तभी वो इस लड़ाई में जीत पाएंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगा, आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। आज हम सब लोग छत पर अपनी बालकनी से, सारे पूरे मोहल्ले, पूरे देश के सारे देशवासी अपनी अपनी बालकनी में, अपनी छतों पर जाकर जो एक संदेश दिया, तालियां बजा के, थालियां बजा के, शंख बजा कर, तो ये एक अपने आप में एक हिस्ट्री भी क्रिएट हुई है और एक इतिहास जो रचा गया है, एक संदेश है आने वाले समय में कि हम एकजुटता के साथ होकर, एक साथ होकर हम इस समस्या में पूरी तरह से लड़ाई जीत लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जीत सकते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा कुछ वीडियोस लोगों ने डाले हुए हैं, तो जिन्होंने वो वीडियोस डाले हैं लेकर के, उनके लिए भी, मतलब उनके लिए भी मैं ताली बजाना चाहूँगी, क्योंकि एक दो वीडियो ऐसे हैं ना कि सच्ची में भावुक हो जाने वाले।
वो कुछ लोग एक जो झुग्गी में जो रहते हैं ना, झुग्गियों बिल्कुल में रहते झुग्गी, हैं, उन्होंने भी तालियां बजाई। उन्होंने, हाँ, और वो थाली ताली बजाई, और यहाँ तक कि जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, तो उन्होंने भी तालियां उन्होंने बजाई। भी ताली बजाई खड़े होके, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो तो उनके लिए तो नब्बे नमन साल है। 90 साल से ऊपर के हैं, जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, और वो उन्होंने भी भी बाहर आज निकल के, वो भी बाहर बाहर निकल निकल के आज कर उन्होंने भी ताली बजाई। सबको उन्होंने भी तालियां बताया कि बजाई। हम भी देश के साथ हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारा देश, किस कोई भी संकट आ जाए, कितना भी बड़ा, हमारा देश जब भी संकट आएगा, सब लोग एकजुट हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, प्लीज कोरोना का मजाक ना उड़ाएं। मैं कई जगह देख रही हूँ वीडियोस डाल रहे हैं कोरोना का, हंसी हो रही है, मजाक हो रही है, यार जाने जा रही है लोगों की। कोरोना छोटी चीज नहीं है, लोगों की जाने जा रही है। तो प्लीज जो भी बताया जा रहा है, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं ना कि सैनिटाइजर यूज करो, अपने हैंड वॉश करो, बाहर से आप आते हो हैंड वॉश करो सबसे पहले। किसी से हाथ श्याम भी मत ऐसे, मिलाओ। मतलब हम तो घर में, चलो ठीक है, ये बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हाथ धोना, ये करना तो ठीक है ना, इतना तो हम कर सकते हैं ना, ये हमारे और बस में है, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। और एक बात और, आप तुलसी का सेवन करना शुरू कीजिए, बाद में करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तुलसी का सेवन शुरू कीजिए। ये गिलोय तो गिलोय पीजिए, हम गिलोय दोनों का तो काम, हर हर किसी को बताते हैं, प्लीज गिलोय पीजिए, गिलोय पीजिए। हम जब कोरोना इतना फैला भी नहीं था ना, हम तब से ग्लो, हम हमारे यहाँ पे चाय से पहले गिलोय का काढ़ा बनता है, हम दोनों पीते हैं। अब कोई कहे कि कोई बीमारी है या कुछ है, पर हम इतना कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और प्लीज करिए, इससे बचिए, इसे मजाक में मत लीजिए। यदि जनता कर्फ्यू है गांव में, शहर में, यदि छोटा गांव है या कहीं अभी तक कोरोना के केस नहीं आए, तो प्लीज ये मत समझिए कि हमारे गांव में या हमारे शहर में नहीं आएगा, हमको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना जैसी भयानक बीमारी बहुत, मतलब यार, महामारी घोषित कर दी गई है। और इसे छुपाए ना, अगर किसी और को अगर किसी भी को भी थोड़ा सा बुखार है, जुकाम है, तुरंत सर्दी, डॉक्टर के पास। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, जो भी आपकी रिपोर्ट में आएगा पॉजिटिव है जो, तो फटाफट वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप छुपाते हैं और बाद में जाते हैं, तो फिर तो आप समझते हैं कि क्या स्थिति उत्पन्न हो और जाएगी। एक एक जन से दूसरे जन तक फैलने वाला रोग है, तो इसका भी ध्यान रखें। यदि घर में ये आपकी किसी एक ड्यूटेबिलिटी को है। सर्दी है या कुछ है, तो प्लीज आप उससे भी दूरी बना करके रखिए। ये मत सोचिए कि मेरे घर का है या, तो ऐसा ऐसा कैसे चलेगा। छोटे बच्चे हैं तो उनका विशेषकर से ध्यान रखिए। बच्चों को तभी छुएं जब आप बाहर से आए, हाथ धोएं, उसके बाद में ही आप बच्चे को हाथ में उठाएं। ये मत कहिए, अगर कोई भी अगर मना करता है तो उसे अन्यथा ना लें कि बच्चे को पहले हाथ धो करके छुओ, तो प्लीज उसको अन्यथा ना लें। और एक जरूरी बात, अगर किसी को ये देखना है कि किसी को कोरोना है या नहीं है, तो शुरुआत उसकी बहुत हल्के से लक्षण होते हैं, और जिसे कम से कम 14 दिनों में एग्जामिन किया जा सकता है। 14 दिनों में पता चलता है कि इस पर्सन को कोरोना है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट उसके बाद जाती है। तो लगभग 10-12 दिन बीत चुके होते हैं जब आपको पता चलता है कि नहीं, ये कंट्रोल नहीं हो रहा, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और तब तक कई और लोग भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। तो ये संक्रमण रोग है, और आप जब तक अपनी सफाई नहीं रखेंगे, जब तक आप किसी दूसरे से हाथ मिलाना बंद नहीं करेंगे, कम से कम 1-2 मीटर की दूरी बना के नहीं रहेंगे अपने घरों में भी, तब तक ये कंट्रोल नहीं होने वाली है। इसलिए वो गांव बहुत अच्छे हैं, वो बहुत लकी हैं वो गांव जहाँ तक ये बीमारी अभी तक नहीं पहुँची है। लेकिन आप ये मत समझिए कि आप लापरवाह रहेंगे और बीमारी भी नहीं पहुँचेगी। आप अगर लापरवाह रहेंगे, बीमारी पहुँचने के बाद आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे चाइना देश और इटली देश और अमेरिका, इन कोई भी देश नहीं ऐसी भूल का बचा। परिणाम आज भोग रहे हैं वो लोग। तो रिक्वेस्ट है, आज जैसा आप सब ने साथ दिया, पूरे देश देश में एकजुटता होकर आपने तालियां बजाई, तो ये एक शुरुआत है। ये आप ये समझिए कि आपको एक प्रण लेना है कि हम इस बीमारी को हरा कर रहेंगे, और इसको हराने में आप तभी सफल हो सकते हैं जब इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और घरों से भी बाहर मत निकलो, अगर मना किया जा रहा है कि घर से बाहर मत निकलो, तो प्लीज मत निकलो। मतलब कोई कारण होगा ना, तभी तो बोला है
कि घर से मत निकलो। कई लोग ऐसे हैं कि घर से निकल रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, किसी को हाथ ही नहीं धोना है, अरे हम नहीं धो रहे अभी तो धोए हैं, तो प्लीज ऐसी गलतियां मत दोहराएं। तो बस इतना ही मैं बोलूंगी, बहुत सारी बातें हो गई हैं लेकिन प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ, बस मुझे यही बात करनी थी। और शाम से बोलूंगी कोई सॉन्ग याद आ रहा हो तो प्लीज एक सॉन्ग, सॉन्ग की दो लाइनें बस। मैं दो लाइन आपको बताना चाहूँगा। आज जैसे सब लोग एकजुट होकर तालियां बजा रहे थे और इस कोरोना की लड़ाई में शामिल हो रहे थे, वो एक संदेश दे रहे थे कि हम सब साथ में हैं। तो एक बहुत पुराना गीत है जो इप्टा से बिलोंग करता है, मैं उस गीत की दो लाइनें आपको आज याद दिलाना चाहूँगा कि वो जो दो लाइन है उनसे आप सबक भी ले सकते हैं, मुझे इस समय याद आ रही है। एक है हमारी आज राहे साथी, एक है हमारा आज गाना, एक है हमारी आज राहे साथी, एक है हमारा आज गाना। थैंक यू। सब सेफ रहें, साफ सफाई का ध्यान दें, बस इसी के साथ इतना ही मैं कहना चाहूंगी। बाय बाय।